एक गांव में पप्पू नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो हर रोज गरीब बच्चों को मुफ्त में स्कूल ले जाता था, बूढ़े लोगों को मुफ्त में हॉस्पिटल ले जाता था। उसका किया हुआ ये पुण्य काम को देखकर भगवान बहुत खुश हो गए और उसके ऑटो को पैसों के ऑटो में बदल दिया। बेटा, मैंने बहुत ऑटो वालों को देखा है, पैसे लूटने के वजह यात्रियों को उपयोग होने वाले कोई भी नहीं दिखाई दिए, मुझे खाली तुम एक ही दिखाई दिया। इस ऑटो से तुमको जितना चाहिए उतना धन आएगा, उसको लेकर तुम आराम की जिंदगी जियो। अब से तुमको ऑटो चलाने की कोई भी जरूरी नहीं है, कहकर गायब हो गया। तब पप्पू और उसकी बीवी ऑटो में से रुपयों के नोटों को इकट्ठे किए। ऐसे बहुत जल्दी ही पप्पू का परिवार बहुत अमीर हो गए। एक दिन पप्पू उसकी बीवी भागी से, क्या है ये, इतने पैसे आने से भी मन को सुकून नहीं मिल रहा है। मेरे ऑटो में इतने दिन गरीब बच्चों को स्कूल छोड़ देता था, बूढ़े बुजुर्ग को हॉस्पिटल लेकर जाता था, आजकल पैसे आने के बाद मदद नहीं कर पा रहा हूँ कहकर बहुत दुख सा लग रहा है, क्या करूँ मैं। आपकी अच्छाई की वजह से ही भगवान हमको दिखाई दिए, आपको जो करने का मन है वही कीजिए। उस दिन के बाद पप्पू वो मनी ऑटो को लेकर गरीबों की बस्ती में जाने लगा और गरीब बच्चों को उस ऑटो में चढ़ाकर स्कूल लेकर जाने लगा। उस मनी ऑटो को देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। जब वो मनी ऑटो जाता था उसमें से पैसे निकलते थे, उन पैसों को भिखारी लोग लेते थे। एक दिन जगदीश नाम का एक चोर ये सब देखा। फिर अगले दिन एक स्केटबोर्ड लेकर बाहर गया और फिर वो मनी ऑटो को पकड़ लिया। उसमें से जो भी पैसे आते थे उनको जमा करने लगा। वैसे ही वो रोज करना शुरू किया, उन पैसों को जमा करके घर ले जाता था। जगदीश भी बहुत धनवान बन गया। एक दिन भगवान जगदीश के सामने प्रकट हुआ। हे मानव, तुम ये चोरी करना बंद नहीं करोगे क्या? मैंने पप्पू को ये वरदान दिया है क्योंकि वो बहुत दयालु आदमी है। तुम चोर हो, मैंने उसको जो वरदान दिया था उसको तुम छीन रहे हो। तुम बहुत धनवान बन गए हो, अब मैं तुम्हें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। भगवान, स्केटिंग करने की जरूरत नहीं होना है, ऐसा करो और पप्पू को जो दिया वो मनी ऑटो मुझे दे दो स्वामी। तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, ये मुझे मालूम चल गया। अब तक तुमने जो जमा किया है वो चोरी का माल को मैं सब ले जा रहा हूँ। अब से तुम्हें मेहनत से काम करने के अलावा एक रुपए भी नहीं मिलेगा, कहकर गायब हो गए। तब अचानक से जगदीश का घर भी गायब हो गया। फिर अगले दिन जगदीश पप्पू के घर गया और पप्पू से, मालिक, आपका वरदान से मिले हुए संपत्ति को मैंने चोरी करके बहुत गलती किया, मुझे आपके पास कोई काम मिलेगा तो दिला दीजिए ना, मेहनत करके जीवन गुजारूंगा। ठीक है, आज से मेरा मनी ऑटो को तुम चलाओ, बच्चों को बूढ़ों को फ्री में छोड़ो, उसमें से जो भी पैसे आते हैं उन पैसों को गरीबों में बांटो, वही तुम्हारा काम है। फिर जगदीश उस दिन से उस मनी ऑटो में बच्चों को स्कूल पर छोड़ने लगा। उन ऑटो से आने वाले पैसों को गरीबों में बांटने लगा। फिर पप्पू जगदीश को अच्छा पगार भी देने लगा और फिर जगदीश का परिवार खुशी से जीने लगे। एक गांव में बलदेव नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो राजनाथ नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था। बलदेव बहुत ईमानदार आदमी था, घर बनाने में बहुत माहिर था, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था और अपना काम खामोशी से करते जाता था। राजनाथ बलदेव को कुछ नहीं कहता था मगर पैसे बहुत कम ही देता था। बलदेव कुछ कहे बिना राजनाथ के दिए पैसे लेकर चला जाता था। बलदेव की पत्नी अमृता, ओ जी,
और कितने दिन हम ऐसे ही गरीब बनकर रहेंगे। अगर आप काम नहीं करते तो आपके मालिक का व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। वो आपका इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमा रहा है मगर आपको बीक से जितने पैसे दे रहा है। आप दिन रात मेहनत करके उसके पास काम कर रहे हैं। आप यही काम अगर किसी और जगह करे तो अब तक हम अपना खुद का घर बनाते थे। पूरे गाँव वालों को घर बना कर देने वाले के पास खुद का घर नहीं है तो कितनी बेइज्जती होगी, बोलिए। देखो अमृता, मुझे मेरे मालिक के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे मेरे काम में खुशी मिलती है। हर एक चीज पैसों से नहीं नापते। अमृता अपना सर पकड़ ली। थोड़े दिनों के बाद राजनाथ की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर उन्हें आराम करने के लिए बोले। राजनाथ अपने व्यापार की जिम्मेदारी अपने बेटे अलोक को सौंप दिया। अलोक व्यापार के जिम्मेदारी लेते ही बहुत सालों से राजनाथ के पास काम कर रहे काम वालों को काम से निकाल दिया। हम सब बहुत सालों से आपके पिताजी के पास काम करते आ रहे हैं। हमें इस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है। ऐसे एकदम से हमें काम से निकाल दिए तो आपके भरोसे ही जी रहे हम जैसे लोगों का क्या होगा सर। अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है तो कम से कम हमें दूसरा कोई काम मिलने तक रुकिए सर। अगर मैं आप सबके बारे में सोचते बैठ गया तो मेरे हाथ में सिर्फ कटोरा ही बचेगा। मेरे पिताजी तुम सबके बारे में सोचकर ही आज बिस्तर पकड़ लिए। मेरे पिताजी के जैसे पुराने ख्यालात रखने वाला नहीं हूँ मैं। मैं कल शहर से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बुला रहा हूँ। पहले आप सब यहाँ से निकलो। बलदेव कुछ नहीं कह सका और वहाँ से चला गया। अगले दिन बलदेव राजनाथ के पास गया और जो बीता वो सब बताया। सर आपके पास काम करने के बाद और किसी के पास मैं काम नहीं कर सकता सर। घर बनाने का काम नहीं तो भी ठीक है, मैं आपके पास ही रहकर आपकी सेवा करूंगा सर। मैंने तुम्हें कभी ठीक से तनख्वाह भी नहीं दिया ना, मुझ पर इतना अभिमान क्यों है? इस दुनिया में हर चीज को पैसों से नहीं तोलते सर, थोड़े बातों के कारण नहीं होते बस। मैंने सारी जिम्मेदारियां अब मेरे बेटे को दे दी। किसी न किसी दिन ऐसी स्थिति आएगी कहकर मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए तुम सबको पैसे देने के लिए मैं अपने तैयारी में था। मेरा बेटा कल सारे पुराने सामान बेच रहा है, तुम कल अपने पुराने कंक्रीट मिक्सर को खरीद लो। क्यों कैसे कहकर सवाल मत पूछना, उसे ले जाकर चुपचाप अपने पुराने गोडाउन में रखो। राजनाथ के कहे जैसे ही बलदेव उस पुराने जंग लगी हुई कंक्रीट मिक्सर को खरीद लिया। उसे ले जाकर चुपचाप गोडाउन में रखा। राजनाथ उस कंक्रीट मिक्सर के पास बलदेव के साथ आया। देखो बलदेव, इसकी मरम्मत करो। हर महीने तुम्हें देने वाले तनख्वाह में से थोड़े पैसे ही तुम्हें देकर बाकी के पैसे मैंने इसमें छिपाया था। जैसे मैंने मेरे बेटे के बारे में सोचा था वो सच हुआ। ये पैसे लेकर तुम अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो। इसी तरह अपने पास काम करने वाले बाकी मजदूरों को देने के लिए थोड़े पैसे मैंने जमा किए। बलदेव उस कॉन्क्रीट मिक्सर की मरम्मत करना शुरू किया। जब बलदेव उस मिक्सर की मरम्मत कर रहा था वो धीरे धीरे एक मनी मिक्सर में बदलने लगी। पूरी मरम्मत होने तक वो कंक्रीट मिक्सर पूरी तरह से एक मनी कंक्रीट मिक्सर में बदल गई। उसके अंदर से बहुत सारे पैसे आकर नीचे गिरने लगे। उसे देखकर बलदेव और राजनाथ दंग रह गए। इतने में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। काम वालों के प्रति राजनाथ का प्यार और बलदेव को अपने मालिक के प्रति रहा भरोसे से खुश होकर मैंने इसे एक मनी मिक्सर में बदल दिया है। इसके अंदर से जितने पैसे निकालोगे उतने पैसे आएंगे। ऐसे आकाशवाणी सुनाई दी।
राजनाथ उस मनी कंक्रीट मिक्सर से आए पैसे अपने पास काम करने वाले मजदूरों में बांट दिया। अब से इस मिक्सर को अपने पास ही रखकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना। बलदेव जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए राजनाथ की भी देखभाल करने लगा।